नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन जिले में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड व पंचायत स्तर पर मनाया गया। लालू यादव के जन्मदिन को राजद ने सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। उनके जन्मदिन पर जिले के सभी जिलों, प्रखंडों, पंचायतों और गांवों में गरीबों के बीच भोज का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने कई अस्पतालों में भर्ती मरीज के बीच भोजन बांटा। जिला अध्यक्ष जयकांत यादव के द्वारा जिला राजद कार्यालय में लालू रसोई के तहत गरीब व जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। लालू रसोई में लगभग 300 लोगों ने भोज किया। इसके साथ ही सदर अस्पताल मधेपुरा में मरीजों के बीच भोजन पैकेट का वितरण भी किया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि लालू यादव गरीबों की आवाज है। लालू प्रसाद ने हमेशा दलित, शोषित व पिछड़ों को समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में दलित व पिछड़ों के उत्थान के लिए कानून बनाया, लेकिन लालू यादव की बदौलत यह कानून आज धरातल पर उतर आ पाया। जिला अध्यक्ष ने लालू जी की लंबी उम्र एवं स्वस्थ होने की कामना भी की। मौके पर जिला प्रवक्ता डॉक्टर देव प्रकाश, अधिवक्ता प्रकोष्ठ सदानंद यादव, उपेंद्र मलिक, जिला अध्यक्ष सफाई प्रकोष्ठ डॉक्टर राजेश रतन मुन्ना, भारत भूषण नगर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार, मीडिया प्रभारी कमल दास, विकास अकेला, नवीन राम आदि मौजूद थे। R9 भारत के लिए अमीर आजाद की रिपोर्ट मधेपुरा से। राजद सुप्रीमो लालू यादव के 74वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे बिहार में राजद कार्यकर्ता से लेकर वरीय नेताओं द्वारा कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में राजद के प्रदेश सचिव जितेंद्र कुशवा के द्वारा नक्सल प्रभावित इलाके के गंगटा पंचायत के विहवे गाँव में दलित भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राजद के प्रदेश सचिव जितेंद्र कुशवा ने दलित बच्चों के साथ खाना खाया और दलित बच्चों को लालू जी के बारे में बताया। लालू जी के जन्मदिन की खुशियां दलित बच्चों के बीच साझा की। इस मौके पर हजारों लोगों को खाना खिलाया गया। इसके पूर्व तारापुर में लालू जी के जन्मदिन पर केक भी काटा गया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है और आज ये पूरे बिहार में उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि तारापुर विधानसभा में भी जन्मदिन का कार्यक्रम सुबह से ही चल रहा है। मैंने सुबह भी केक काटा असरगंज और तारापुर प्रखंड में, और मैंने महादलित बस्ती जो गंगटा पंचायत के अंतर्गत आता है गांव में आकर के, मुझे लगा कि उनको उनके लिए हम गरीबों के बच्चों को अगर खाना खिलाएं, उसके साथ मिल के खाना खाएं, तो एक इसका एक अलग उनके लिए जन्मदिन के एक संदेश जाएगा। इसीलिए हम आकर के महादलित बस्ती में इस तरह का भोज का आयोजन कर स्वयं उसके साथ मिल करके खाना खा रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं, ग्रामीण को खिला रहे हैं। ये बीहवे का जो महादलित बस्ती है, पूरे महादलित बस्ती में मैंने इस भोज का आयोजन किया है और यहाँ के सभी महिला, पुरुष, बच्चे सभी के लिए इस तरह का भोज का। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुशवाहा, राजद प्रदेश सचिव। R9 भारत के लिए जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट मुंगेर से। खबर समस्तीपुर जिले से है, जहां पूसा प्रखंड के सैदपुर पुल पर जिले के साथ साथ अन्य जिला के वाहन सेट साउंड से जुड़े हुए लोग सरकार के साउंड प्रतिबंध को लेकर आक्रोश सामने आना शुरू हो गया है। देश में लगातार कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन विभिन्न राज्यों में परिस्थिति के अनुसार प्रभावी रहा है। इसी बीच कोरोना के कहर को देखते हुए बिहार सरकार ने इस वर्ष शादी विवाह में डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप सभी को बता दूं कि विवाह उपनयन संस्कारों में संगीत की प्रधानता और रिवाज हमेशा से रहा। इसी को देखते हुए वाहन सेट साउंड जीविका संघ से जुड़े हुए संगठन के लोगों ने प्रदेश कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार के नेतृत्व में सैदपुर पुल पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सरकार के द्वारा प्रतिबंध पर रोष प्रकट किया। प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार सहनी आग्रह किया है कि जिस तरह अनलॉक के बाद चीजों को देखते हुए छूट दी गई है, उसी तरह साल का शादी का अंतिम महीना चल रहा है, इसमें साउंड बाजा बजाने का भी आदेश दिया जाए ताकि वाहन सेट साउंड से जुड़े हुए लोगों को दयनीय स्थिति से बचाया जा सके, क्योंकि साल भर इनके परिवार इसी पर निर्भर रहते हैं। खासकर विवाह में वाहन सेट साउंड का चलन अभी जोरों पर है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी व्यवसाय पर लॉकडाउन का व्यापक असर पड़ा है। प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत राय ने कहा, लगभग पूरे बिहार में वाहन सेट साउंड जीविका से जुड़े लोग लगभग 1 लाख से भी ऊपर परिवार का भरण पोषण बाजा साउंड से होता है, लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण परिवार की स्थिति बिगड़ गई है। बाजा और साउंड से जुड़े लोग साल भर परिवार की भरण पोषण के साथ साथ
वाहन की परमिट इंश्योरेंस सहित साउंड की फिटनेस के ऊपर खर्च किया जाता था और परिवार के बच्चे की पढ़ाई इसी से पैसे से होती थी। प्रदेश सचिव विजय कुमार ने कहा कि सरकार के द्वारा पूर्ण रूपेण शादी पर प्रतिबंध नहीं लगा, लेकिन डीजे साउंड पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने इन सभी परिवारों को बेसहारा कर दिया। मौके पर कार्यालय प्रभारी नवल किशोर राय, अशोक कुमार, संजय कुमार, समृत कुमार, सूरज कुमार आदि ने भाग लिया। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से क्या मांग चाहते हैं? देखिए, हम लोग वाहन से साउंड जीविका संघ से संघ बनाए हुए हैं। हम लोग को साउंड संबंधित एक जीविका है जो कि हम लोग मेहनत की कमाई खाते हैं, और सरकार से हम यही आग्रह करते हैं, सरकार की जो कोरोना काल की प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए हम सरकार से यही विनती करेंगे कि जो हम लोग का जो है से जीवन यापन जो इस साउंड संबंधित से जुड़ा हुआ है, इनको जो है से हम लोग चार आदमी से जा कर के साउंड संबंधित जो प्रोग्राम होता है वो करते हैं, तो सरकार को ये चार आदमी का अलाव दिया जाए। सरकार से क्या मांग चाहते हैं? हम बिहार सरकार से यही मांग चाहते हैं कि जितने भी वाहन से संघ जीविका संघ से जुड़े हुए हैं इनमें जो है से सरकार के प्रतिबद्ध हम लोग समय सीमा को देखते हुए हमें जो है सो जो समय पहले मिला था उस समय से मान 1 बजे से लेकर के 11 बजे रात्रि तक शादी ब्याह के उत्सव पर हम लोग जो है सो डीजे बजाते हैं, पिकअप सेट साउंड चलाते हैं, और इस पर जो है सो हम लोग को क्या ये लॉकडाउन से आप क्या स्थिति है? हम लोग के दैनिक हालत बिगड़ी हुई है, पारिवारिक स्थिति ठीक ठाक नहीं चल रही है, घर में जो है सो बहुत बड़ी परेशानी से हम लोग जूझ रहे हैं। का क्या मांग है सरकार से? हमारी सरकार से मांग यह है कि जिस तरह शादी विवाह में 20 लोगों को अनुमति मिला है उसी तरह हम लोगों को भी 4 आदमी को साउंड बजाने का अनुमति दी जाए। साउंड नहीं चलने से हम लोगों के परिवार की दैनिक स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि 2019 में भी यही दशा रहा और 20 में भी यही रहा और 21 में तो जा ही रहा। आपकी स्थिति है और क्या ये लॉकडाउन से आप लोग प्रभावित हैं? 2 साल से पिछले साल भी यही हाल हुआ, लगन के महीने में लॉकडाउन लगा, वही मेरा धंधा है उसी से कमाते खाते हैं, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं, इस साल भी वही व्यवस्था है, कर्ज पैंच लिए हुए हैं। घर का दयनीय स्थिति है क्या? भुखमरी कागार पर पड़े हुए हैं। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? रंजीत राय। सर, मेरी यही मांग है कि हम विकलांग आदमी हैं और इसी से मेरा रोजी रोटी चलता था, और इसको अगर मतलब अनुमति दिया जाए इसी से मेरा सब भरण पोषण होता है। क्या नाम हुआ सर आपका? नवल किशोर राय है। और क्या चाहते हैं सरकार से? सर, मेरी मांग यही है, हम हॉटस्टार से बोल रहे हैं, समृद्ध बोल रहे हैं, ठीक है जी। हमारे मांग यही है जो हम लोग सीजन में मतलब पैसा लगाते हैं और शादी समारोह मतलब जब शुरू होता है तो शादी के समारोह के बाद 2-3 मतलब चलने के बाद ये होता है जो बंद कर दिया जाता है। हम लोग रोड पर मतलब जब पूरी फंसा है मतलब रोड पर बैठे हुए हम लोग खाएंगे क्या? घर का क्या स्थिति है? सर, स्थिति ऐसा है जो हम लोग का खाने पर आफत पड़ा हुआ है, हम लोग यही बाजार में पैसा वो लगाए हुए हैं और मतलब यही चीज़ बंद कर देंगे सरकार कहाँ जाएंगे कहाँ, हम लोगों को तो यही रोजगार है ना। क्या नाम हुआ सर आपका? सर, मेरा नाम समृद्ध हुआ। R9 भारत के लिए रत्न शंकर भारद्वाज की रिपोर्ट, समस्तीपुर से। साहिबपुर कमाल प्रखंड के मुंगेर घाट में जन अधिकार पार्टी की ओर से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई और राजीव प्रताप रूडी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जल सत्याग्रह कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक गंगा में रहकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की गई। इसकी अध्यक्षता जाप छात्र परिषद के जिला उपाध्यक्ष अविनाश कुमार ने की। मौके पर जाप नेता आशुतोष यादव ने कहा कि जिस तरह से सेवक पप्पू यादव जी को साजिश के तहत फर्जी मुकदमे में महीनों भर से जेल में डाले हुए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की नाकामी को किस तरह से पप्पू यादव जी उजागर कर रहे थे। इस कोरोना काल में और जनता को हर एक चीज में मदद कर रहे थे, ये काम इस निकम्मी सरकार को पचा नहीं और उनको सेवा के बदले जेल में डाल दिया गया। और छात्र नेता सुमित यादव व अविनाश कुमार ने कहा कि इस हिटलरशाही सरकार ने जिस तरह पप्पू यादव को जेल से रिहाई नहीं होने दे रही और ये निकम्मी सरकार की मानसिकता साफ जाहिर हो रही है कि मेडिकल माफिया और एम्बुलेंस चोर रूडी को बचाने के लिए पप्पू यादव जी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, मगर ये आवाज दबने वाली नहीं है। जाप का हर एक कार्यकर्ता पप्पू यादव है। पारस हॉस्पिटल के कुकृत घटना पर भी ये निकम्मी सरकार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है।
मगर पप्पू यादव जी की रिहाई और पारस हॉस्पिटल पर कार्यवाही जब तक नहीं होगी ये आंदोलन चलता रहेगा। मौके पर मौजूद युवा शक्ति प्रखंड अध्यक्ष धीरज यादव, युवा परिषद के अध्यक्ष शाहिल कुमार, छात्र परिषद प्रखंड अध्यक्ष रणवीर कुमार, किसान प्रकोप संजय यादव, मनीष कुमार लालू यादव, विभीषण राय जी, अनिल कुमार, छोटू कुमार, मनीष कुमार मौजूद थे। पप्पू यादव जिंदाबाद। आज ये जो सत्याग्रह कर रहे हैं इनका क्या, इनसे क्या मतलब, क्या बताना चाहते हैं? आज जब सत्याग्रह के माध्यम से बिहार सरकार को हम बताना चाहते हैं, जिस तरह से गरीबों के मसीहा आदरणीय पप्पू यादव जी को एक साजिश के तहत गिरफ्तार करने का काम किया गया, उसी के विरोध में आज हम जनता पार्टी युवा शक्ति युवा मोर्चा के तमाम साथियों के साथ आज हम जल सत्याग्रह के माध्यम से नीतीश कुमार चेताना चाहते हैं। नीतीश कुमार को कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द गरीबों के मसीहा आदरणीय पप्पू यादव जी को रिहा करें, नहीं तो ये तो सिर्फ हम लोगों का यह चरणबद्ध आंदोलन जारी है, आने वाले भविष्य में इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। ये सिर्फ ये हम लोगों का जल सत्याग्रह के माध्यम से सिर्फ आपको बताना नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी चेतावनी है आपके लिए कि पप्पू यादव जी को रिहा करें, नहीं तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन का आपको सामना करना पड़ेगा। और सरकार को जो ये लचर पचर व्यवस्था है, और सबसे बड़ी मांग है हम लोगों का कि कोरोना वायरस में जितने भी पीड़ित परिवार, जितने लोगों की मृत्यु हुई है, मेरा मांग है सरकार से उस सारे मृतक परिवार को मुआवजा मिले, और जो वर्तमान में जो पीड़ित परिवार जो पेशेंट है जो इलाज की जरूरत है उसको सही से उसको ट्रीटमेंट मिले, सही से उसको इलाज की व्यवस्था हो, और एम्बुलेंस चोर राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि जब आप कहते हैं कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने में जब आप गिरफ्तार करते हैं तो एम्बुलेंस चोरी करने वाले पर भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही है। क्योंकि सरकार और चोर के साथ मिली भगत के तहत आदरणीय पप्पू यादव जी को फंसाने का षड्यंत्र रचा गया, और जिस केस में उनको गिरफ्तार किया गया है उस केस के जो अपहर थे उन्होंने खुद न्यायालय में बयान दिया है आदरणीय पप्पू यादव जी बेकसूर हैं, उन्होंने मेरा किडनैप नहीं किया था, उनको बेवजह इनको फंसाया गया है, साजिश पर उनको परेशान किया जा रहा है। इसलिए सरकार से मेरा मांग है कभी पप्पू यादव जी की रिहाई करें, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से बार बार बेल रिजेक्ट हो रहे, क्या आपको न्यायालय पे भरोसा अभी भी है? अभी भी मुझे न्यायालय पे भरोसा है, और मुझे पूर्ण रूप से न्यायालय भरोसा है कि न्यायालय में निश्चित रूप से पप्पू यादव जी को न्याय मिलेगा। चूंकि एक ही न्यायालय पर ही लोगों को भरोसा रहता है, क्योंकि सरकार का जो लचर पचर व्यवस्था है, जो कानून की रवैया है, उस पर से तो लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है, लेकिन न्यायालय न्याय की मंदिर है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्याय की मंदिर में न्याय जरूर मिलेगा, और हमारा आदरणीय पप्पू यादव जी बहुत जल्द हम लोगों के बीच रहेगा। नाम बताओ। आशुतोष कुमार यादव, युवा परिषद प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार। R9 भारत के लिए अनिकेत सिन्हा की रिपोर्ट बेगूसराय से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का, और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।